मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आपका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है, वीडियो लंबी है पर जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे एक बार करोगे, पर जो नॉलेज आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी, आपका टाइम वर्थ होगा इसमें इन्वेस्ट करना। ड्राइंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहली, ड्राइंग की जो आउटलाइन है, जो ड्राइंग है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो सही होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वैल्यू है, जो डार्कनेस और लाइटनेस है, जो शेड है, कितना डार्क है कोई चीज़, कितनी लाइट है वो चीज़, वो वॉल्यूम, और उसके बाद फिर कलर्स आते हैं, और ऐसे करके जो प्रिंसिपल्स है, एजेस कैसी होती हैं, जो ये सब प्रिंसिपल्स हैं जो एक सक्सेसफुल आर्टवर्क को बनाने में हेल्प करते हैं। आप वाटर कलर कर रहे हो, आप शेड कर रहे हो, आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, आप पेस्टल कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं अगर आप आर्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हो। पिछले बार जो मैंने टिप बताई थी वो फ्लैट वैल्यू थी। फ्लैट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सरफेस है, मान लीजिए एक पेपर है, वो वाइट पेपर, अगर उस वाइट पेपर में मैं एक हल्का सा एक ब्लैक डॉट देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि इसमें एक मैंने डॉट दिया है आप खोजो, आप इजीली खोज लोगे। पर मान लीजिए एक कलरफुल पेपर है जिसमें अलग अलग कलर भरे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, डार्क ब्राउन, और कहीं कहीं पे ब्लैक के स्पॉट्स हैं, उसमें अगर मैं बीच में कहीं एक छोटा सा ब्लैक का स्पॉट देता हूँ और अगर आपको मैं पूछता हूँ कि अभी जो मैंने स्पॉट दिया आप खोजो, तो आपको टाइम लगेगा उसको खोजने में। वो इसलिए क्योंकि जो कलर था वो फ्लैट नहीं था, उसमें बहुत सारे कलर थे, डार्क लाइट भरा हुआ था, तो उसमें खोजने में टाइम लगेगा। वैसे ही फ्लैट वैल्यू जो मैंने बताया था उसमें क्या था कि अगर आप एक कलर को, एक शेड को फ्लैट रखते हो, सिर्फ एक जैसे वाइट पेपर है, वैसे ही अगर कोई दूसरा भी शेड है, ग्रे पेपर है, ब्लू पेपर है, कोई एक कलर पूरे में है, तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड करेंगे तो हमें क्लियरली दिखता है वो चीज़। तो इसलिए फ्लैट वैल्यू को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाके देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। वो चीज़ आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है, इसलिए हो सकता है आपको जल्दी से कॉन्फिडेंस नहीं आए उसको प्रैक्टिस करने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अगर आप उसको सीखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आगे चल के जो मैं सिखाऊंगा आपको वो समझना ईजी हो जाएगा। आज की जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वॉल्यूम के बारे में, और वॉल्यूम क्या होता है इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक रियलिस्टिक ड्राइंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हो। तो वॉल्यूम क्या होता है सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको अच्छे से अभी करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ, एंड बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे एंड तक, छोटी सी भी जगह को स्किप मत कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जब भी कुछ किसी चीज को देखते हो तो क्या उसकी फॉर्म कैसी है उसको जानने के लिए क्या आपको उसको टच करना पड़ता है? जैसे ये बॉल, अगर ये बॉल आपके सामने है तो क्या आप इसको ऐसे टच करके देखोगे तो अब आपको समझ आएगा कि ये स्मूथ है और राउंड है, या फिर सिर्फ देखने से ही समझ आ जाएगा? सिर्फ देखने से ही समझ आ जाता है। कोई भी इस बॉल को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये राउंड है और स्मूथ है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो उसका जो सरफेस है उसको फील कर सकती हैं। वैसे ही अगर इस वुडन ब्लॉक्स को अगर आप देखते हो तो आप सिर्फ देख के ही समझ सकते हो कि इसका ये टॉप सरफेस है, साइड से ये फिर चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन, ये बॉल की तरह राउंड नहीं है। तो आप बिना टच किए ये समझ सकते हो कि ये सीधी सरफेस है, ये साइड का सरफेस है। तो रियल में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे सामने तो हम उसको देख के समझ जाते हैं कि उसकी जो सरफेस है, उसका जो फॉर्म है वो कैसा होगा। वो राउंड है, उसमें सडन चेंजेस हैं, वो वुडन, वो ब्लॉकी है, या जैसे ये बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, एकदम शार्प एज नहीं है इसकी, इस ब्लॉक की तरह इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट एज है, ठीक है। और ये भी टच करना नहीं पड़ेगा, आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो इस चीज़ को समझ जाती हैं।
लेकिन जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें जो हम ड्रॉ करते हैं और उसको जो हम शेड कर रहे हों या पेंट कर रहे हों, हम उसको एक 2D सरफेस पे बनाते हैं जो हमारा पेपर होता है। पेपर में फॉर्म नहीं होता, पेपर एक सिंपल फ्लैट सरफेस है जिसमें हम कुछ भी बना रहे हैं। और उसमें हम फील कैसे करवाएं कि कोई चीज़ हम राउंड बना रहे हैं तो कैसे फील हो कि वो राउंड है, अगर वो एकदम स्मूथ है तो कैसे जो हमारी पेंटिंग को देखेगा या जो हमारे ड्राइंग को देखेगा उसको कैसे समझ आएगा कि ये जो आर्टिस्ट दिखाना चाहता है कि ये स्मूथ सरफेस है या राउंड सरफेस है, वो कैसे दिखेगा किसी व्यूअर को। अगर हम इस चीज़ को पेंट करेंगे, इसकी ड्राइंग बनाएंगे और इसको पेंट करेंगे, तो जो देखेगा उसको कैसे समझ आएगा कि ये इसकी जो सरफेस क्वालिटी है वो फ्लैट है, सडन इसमें शार्प एज है, सडन जो टर्न है इसका टर्न, इसकी राउंडनेस, अगर हम किसी और चीज़ को लेते हैं इसकी राउंडनेस, या यहाँ से इसकी राउंडनेस, या यहाँ से जो ये फ्लैट है यहाँ, फिर साइड एज जो आ रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये हम कैसे समझाएंगे जब हम इन सारी चीज़ों को एक पेंटिंग के अंदर बनाएंगे। रियल में तो इसकी ये खुद एक इसका वॉल्यूम है, इसका ये मास है, इसमें सब चीज़, ये 3D है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सब सरफेस हमको दिख रही होती है, तो हम 3D ये चीज़ होती है। पर जब हम पेंटिंग या ड्राइंग कर रहे होते हैं तब इस चीज़ को समझाने के लिए हमें ग्रेडेशन देना पड़ता है, या तो हम वो ग्रेडेशन शेडिंग करके दे रहे हों, पेंट करके दे रहे हों, चारकोल यूज़ कर रहे हों, क्या मीडियम यूज़ कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़ कुछ भी कर रहे हों, पर उसको देने का तरीका से हमें समझ आता है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, और जो हमारी पेंटिंग या ड्राइंग को देख रहा है उसको समझ आता है कि हम उसको क्या दिखा रहे हैं। अगर हम ये बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं और इसको पेंट कर रहे हैं तो इसमें ये गोल है, ये तभी दिखेगा जब इसको जो शेडिंग है वो स्मूथ ली जाएगी, डार्क फिर थोड़ी सी कम डार्क फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट, ऐसे होते होते जो इसकी जो ट्रांजिशन है वो एकदम स्मूथ ली जाएगी, तब समझ आएगा कि हाँ ये एकदम स्मूथली ट्रांजिशन इसमें हुई है, तो ये स्मूथ सरफेस है, इसकी जो राउंडनेस है वो समझ आएगी उसमें। अगर हम इसको पेंट कर रहे हैं तो ये एरिया एक अलग शेड रहेगा और ये एरिया अलग शेड रहेगा, ये साइड का एज अगर एंगल हमें दिख रहा है तो वो अलग शेड रहेगा, ठीक है। तो इसको जब हम पेंट करेंगे तो इसकी जो शार्प एज है वो तभी दिखेगी जब हम ऊपर में एक वैल्यू, एक शेड ऊपर देंगे लाइट और एक डार्क शेड साइड में, यहाँ तक लाइट था फिर सडन डार्क हो गया, तो ये जो शिफ्ट हुआ तुरंत लाइट फिर तुरंत डार्क आ गया, इससे पता चलेगा कि ये सरफेस अलग था और ये साइड अचानक से डार्क हुई है। पर इस केस में ऐसा नहीं था, वो लाइट धीरे 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 डार्क हुई, तो इससे वो जो राउंडनेस है वो समझ आई। अब ये मैंने सिंपल चीज़ों में बताया और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। इसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ों में अप्लाई करते हैं। अगर हम एक ह्यूमन हैंड बना रहे हैं, अगर आप हैंड बना रहे हो, किसी का फेस बना रहे हो या कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, इन सारी चीज़ों में जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ रहती है, बस थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे अगर ये हाथ है तो ये वाला जो पार्ट है वो उसकी राउंडनेस आपको देखनी है एज कंपेयर्ड टू इस फिंगर की राउंडनेस। फिंगर में क्या है, ये तुरंत शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी डार्कनेस फिर थोड़ी सी कम फिर थोड़ी लाइट, तो ये जो राउंडनेस है वो आएगी। बट इस एरिया में क्या है, ये लगभग फ्लैट है, हल्की सी राउंडनेस है, तो यहाँ पे हल्का डार्क फिर थोड़ा सा लाइट फिर उधर लाइट जहाँ पे लाइट आ रही है। तो ये जो चीज़ हम दिखाएंगे अपने ग्रेडेशन से, डार्क टू लाइट, लाइट एंड शेड की मदद से ही हम दिखा पाते हैं कि वो ड्राइंग में वॉल्यूम है कि नहीं है। अब देखिए, ये क्ले अभी स्पीयर शेप में है जैसे बॉल थी, डार्क से लाइट स्मूथ ली जा रही है। अब मान लीजिए ये एक आदमी का फेस है, ठीक है, इसमें रिंकल्स हैं, जैसे यहाँ पर रिंकल्स आ गई हैं सपोज, एक बार मान लीजिए कि रिंकल्स हैं, ठीक है। इस रिंकल को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो
रिंकल में क्या होता है, जो स्किन है वो अंदर घुसी फिर बाहर निकली। तो ये चीज़ को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में अब शेडो आ रही है क्योंकि ये लाइट अब यहाँ पे नहीं आ रही, तो ये शेडो, फिर थोड़ी सी डार्कनेस यहाँ, फिर ऊपर लाइट, तो ये जो राउंड यहाँ पे बना, उसके बाद फिर यहाँ पे लाइट यहाँ आ रही है, फिर थोड़ी डार्कनेस, फिर और ज़्यादा डार्कनेस, तो ये एक अलग राउंडनेस आ गई यहाँ पे, और एक ऊपर एक अलग राउंडनेस आ गई। तो इससे जो सामने हमारी ड्राइंग को देख रहा है उसको वॉल्यूम समझ आएगा कि ये एक राउंड, ये एक राउंड। वैसे ही अगर एक और रिंकल है तो सेम चीज़, अब ये एक राउंड, ये एक और राउंड, ये एक और राउंड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ बढ़ के हमारी ड्राइंग कॉम्प्लेक्स होते जाती है, और हम अगर बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं तो हम जितनी भी ड्राइंग कॉम्प्लेक्स होते जाए उसको प्रैक्टिस के साथ साथ हम मास्टर कर सकते हैं, समझ सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है, कहाँ पे डार्क लाइट हमें दिखानी चाहिए कि सामने वाले को फील हो हमारी पेंटिंग में वॉल्यूम क्या है, कहाँ पे वो राउंड है, कहाँ पे वो बॉक्सी शेप में है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं शेप बदल दूँ मैं, तो पहले क्या था, डार्क टू लाइट स्मूथली जा रही थी, अब क्या हुआ, लाइट सडन डार्क साइड में, सडन डार्क क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। तो शेप के अकॉर्डिंग जो हमारी डार्क और लाइट जो चीज़ है, डार्कनेस और लाइटनेस जो होती है, वो जो शेप हम दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, और वो स्मूथ है या सडन है वो डिसाइड करता है, वही समझाता है सामने वाले को कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कैसा है, जो सरफेस है वो कैसा है। अगर इसमें ऐसे उबड़ खाबड़ हम थोड़ा कर दें तो कैसे फील होगा इस चीज़ की, अगर हम पेंटिंग बनाए तो कैसे फील होगा कि इसकी, इसका जो सरफेस है वो ऐसा है, वो तभी फील होगा जब यहाँ पे हम लाइट, फिर सडन हम डार्क दिखाया हमने, फिर लाइट, फिर डार्क, जो हमने शेडिंग्स की, जो हमने कलरिंग की, या फिर हम कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको तभी अच्छे से समझा पाएंगे अपनी पेंटिंग में, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट तभी कर पाएंगे जब हम इसके इसकी जो सरफेस है उसको उसके अकॉर्डिंग डार्क एंड लाइट कर सकें। अगर ये चीज़ आप समझ सकते हो तभी आप इस चीज़ को धीरे धीरे, अब जितनी भी ड्राइंग करो आप शेड करोगे तो आप कॉपी नहीं करोगे, आप उसको समझोगे कि डार्क से लाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी सरफेस ऐसी है, आपको समझ आने लग जाएगा। एंड अगर कोई बॉक्सी शेप है, अगर ये बॉक्स जैसा शेप है, तो इसको लाइट करना फिर सडन एक एरिया को डार्क कर देना वो फिर भी ईजी होता है, पर स्मूथ ट्रांजिशन को आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करना सीख गए उसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए पेंसिल के ऊपर, चारकोल के ऊपर, या कलर के ऊपर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। आप स्मूथ करना सीख गए, डार्क से लाइट एकदम अलग अलग रेंज लाना सीख गए, डार्क फिर उससे कम, उससे कम, उससे लाइट, उससे लाइट, ऐसे करके जो रेंज है आपने पूरा रेंज अगर आपने लाने का प्रैक्टिस कर लिया, तो ये बॉक्स जैसी जो शेप्स होती हैं उनको अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इस वीडियो में मैं वो चीज़ आपको अच्छे से दिखाऊंगा डेमो के साथ। इस स्कल्पचर को थोड़ा सा समझते हैं एक बार। ये एक लेग का स्कल्पचर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग शेप्स हैं, ये फ्लैट है, यहाँ से जो यहाँ की राउंडनेस है वो स्मूथ है, यहाँ से जो यहाँ टर्न है वो शार्प है। फिंगर की राउंडनेस को देखिए तो डार्क टू लाइट जो रेंज है वो अलग है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा लाइट को एक डायरेक्शन में रखो। अभी मैंने लाइट को ऊपर रखी है इसलिए ये स्ट्रेट आ रही है, पर अगर आप एज ए बिगिनर प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइट हमेशा साइड से रखो, ताकि एक साइड जो डार्क एरिया है वो अच्छे से आए। तो एक साइड अगर डार्क शेडो अच्छे से आती है इस तरीके से, तो इजी हो जाता है किसी चीज़ को समझना, क्योंकि ये डार्कनेस आपको अच्छे से दिखेगी। तो ये डार्क आप अच्छे से देखोगे तो अच्छे से शेड कर पाओगे, फिर थोड़ी लाइट, फिर थोड़ी लाइट, फिर पूरी जहाँ पे हाईलाइट आ रही है वो, ऐसे आपको अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से दिखेगा वो। इसलिए लाइट शुरुआत में एक डायरेक्शन में रखो, इस तरीके से एक डायरेक्शन से लाइट आएगी तो आपको ज़्यादा इजी होगा इन सारी चीज़ों को समझना। अब मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ जो मैंने इस स्कल्पचर को देख के लाइव बनाई थी, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हों। तो ये वो ड्राइंग है, इस स्कल्पचर को मैंने लाइव देख के बनाया था, और
मैंने भी सेम चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस करी है इस चीज़ में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जब भी किसी चीज़ को बनाओ तो उसकी जो राउंडनेस है, उसकी जो डेप्थ है, आपको समझ आए। यहाँ पे जो सडन चेंज है वो दिखाने के लिए ऊपर लाइट था, फिर सडन डार्कनेस ये एरिया में आई है। सेम चीज़ बाकी जगहों पे भी हुई है, ये जो डार्क, फिर थोड़ा लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ये अंदर जाना, सरफेस का अंदर जाना, फिर बाहर आना, ये तभी समझ आएगा जब डार्क से लाइट सही तरीके से हो। तो शुरुआत में आपको सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे अपने ड्राइंग को कॉम्प्लेक्स, अब जब भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाओगे तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं डार्क और लाइट का सही तरीके से होना, ताकि आप वॉल्यूम आए आपके ड्राइंग में, वो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे और अपनी अपने जो आर्ट वर्क है उसको एक नेक्स्ट लेवल दे पाओगे, एक नया क्वालिटी, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो बोलते हैं उसको अटेन कर पाओगे। आपने बहुत लोगों ने चीज़ें समझ समझ आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ, पर मैं आपको एक डेमो के साथ और अच्छे से ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ अभी करके, वो भी आप देखिए अच्छे से पूरा, और इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक स्मूथ ट्रांजिशन आपको कैसे पाना है, डार्क टू लाइट एकदम इवनली कैसे जाना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 लाइन की 2B पेंसिल, और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको शार्प अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है। पिछली वीडियो फ्लैट वैल्यू अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो लेवल 1 है, और आज जो बता रहा हूँ वो थोड़ी सी हायर लेवल की चीज़ है। ये थोड़ा जो आज का जो चीज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, तो पहले आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो फिर इस चीज़ को करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम चीज़ मैंने बताई थी पहले भी कि आपको शेड लेयर में करना है, एंड नीडेड इरेजर की मदद से आपको जो अनइवन पार्ट है, जो एक्स्ट्रा डार्क हो गया है जो जगह, उसको लाइट करना है। और ये पूरे जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है उसमें हम डार्क से लाइट जाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि डार्क से लाइट हम एकदम स्मूथली जाएं, ऐसा ना हो कि डार्क के बाद लाइट आए फिर थोड़ा सा फिर डार्क आ जाए, ये चीज़ से हमें बचना है। और सबसे शुरू में आप देख सकते हैं कि मैं सबसे डार्क टोन अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और डार्क आपको एक बार में नहीं लाना है, आपको लेयर वाइज करना है ताकि आपका पेपर ख़राब ना हो। एक बार में अगर आप गड़ा दोगे तो पेपर ख़राब हो जाते हैं, तो आपको लेयर वाइज करना है। बीच बीच में पेंसिल डल होते रहेगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेंसिल को आप बार बार शार्प करते रहो। और शार्प कैसे करते हैं वो अच्छी तरीके से मैंने एक वीडियो में बताया है अलग से, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे और लाइट शेड पा रहे हैं, और बीच बीच की जो चीज़ें हैं, बीच बीच में जो डार्क अचानक से, जो अचानक ज़्यादा डार्क हो जा रहा है कहीं पे, उस चीज़ को हम अपने नीडेड इरेज़र से ठीक कर रहे हैं। और नीडेड इरेज़र सिर्फ इरेज़र नहीं है, इसको एक आप ड्राइंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल समझ सकते हो। ये सिर्फ मिटाने के काम नहीं आता, जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो वैसे नीडेड इरेज़र से भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ये समझ के आपको इस इरेज़र को यूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है ये एक आर्टिस्ट के लिए। फ़िलहाल अगर आपके पास नीडेड इरेज़र नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र को कट्स कर सकते हो, और पेंसिल को बार बार शार्प करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करते समय। ये एक्सरसाइज लंबी है, टाइम टेकिंग है, शुरू में बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि शुरू में बहुत टफ लगेगी, बहुत टाइम टेकिंग आपको लगेगी, लेकिन अगर आप इसको मन लगा के करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हो, तो बहुत चीज़ें आप सीख सकते हो, क्योंकि आगे चल के जो ड्राइंग में बताऊंगा, जो ऑयल पेंटिंग वगैरह के ट्यूटोरियल्स में लाऊंगा, उसमें ये सारी चीज़ें अगर आप जानते रहोगे तो आपको एक बार में वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ये चीज़ क्लासिकल स्टडीज़ में सिखाई जाती हैं, एटेलियर्स में सिखाई जाती हैं, और हिंदी में अभी तक शायद इन पे ट्यूटोरियल्स नहीं आई हैं, तो आपको शायद ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं लगे, आपको लगे कि पता नहीं ये क्या टिप है, सही है कि नहीं है, ऐसा कुछ इस तरीके का मेंटलिटी होता है, और ये सब चीज़ें आती है दिमाग में और वो आ सकती हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। और आपको ये भी लग सकता है कि
ब्लेंडिंग स्टिक की या किसी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करके या कॉटन वगैरह का इस्तेमाल करके हम इजीली डार्क टू लाइट पा सकते हैं, बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हम ब्लेंडिंग स्टिक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम कंट्रोल ला सकें, हम अपनी पेंसिल पे कंट्रोल ला सकें कि सिर्फ पेंसिल अगर हमारे पास हो तो उसको कब कितना शार्प करना है, कितना प्रेशर के साथ उसको पेपर पर रब करना है, ये सारी चीज़ हम सीख सकें। तो अगर आप ब्लेंडिंग स्टिक वगैरह को यूज़ करोगे शुरुआत में तो आप डिपेंड हो जाओगे उन सब मटेरियल्स पे। ये बेस है, अगर ये क्लियर होगा आपको डार्क से लाइट स्मूथली दिखेगा कि स्मूथली जा रहा है, अनइवन नहीं है हमारा ट्रांजिशन, तो आप जब ब्लेंडिंग स्टिक उसके बाद यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी, आपका कंट्रोल होगा अपने मटेरियल्स पे, अपने टूल्स पे, और आप एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर पाओगे, अपने ड्राइंग को, अपने आर्टवर्क को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और इसको करते समय आपको बहुत टाइम लग सकता है, तो आराम से बीच बीच में ब्रेक लेके बीच में जाइए, घूम के आइए ये मेंटालिटी के साथ कि मुझे जैसे भी इस वर्क को इसको अच्छे से करना है और इस तरीके से स्मूथनेस अचीव करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इजी वे में आपको वॉल्यूम समझ आया हो, और जो भी आपके क्वेश्चंस अगर हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके अपनी वीडियो में देने की, और मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप ज़रूर इस एम को अचीव करने में मेरी हेल्प करोगे। साथ ही साथ 25 शेयर्स भी गाइस आराम से आप कर सकते हो, मुझे पता है, और इस एम को ज़रूर आप हेल्प कीजिए अचीव करने में। मेरे आपसे ये प्रॉमिस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूँगा। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।